Hey guys, subscribe Jelly Dude channel and press the bell icon for the new video. हेलो गाइज, मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। और आज का जो वीडियो है वो है 5 इंडोर प्लांट्स के बारे में। तो मैं आपको 5 ऐसे इंडोर प्लांट्स दिखाने वाला हूं अपने इस वीडियो में, जिसे आप अपने घर में रख सकते हैं। वेरी इजी टू ग्रो प्लांट्स हैं और घर का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज कर देते हैं ये प्लांट। अगर आप अपने किसी भी कोने में अगर ये प्लांट्स रखते हैं तो बहुत ही अच्छा ग्रो करता है और बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर है। तो चलिए, ये 5 प्लांट्स कौन से हैं जो आप अपने घर में रख सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, इसके टेक केयर के बारे में बात करते हैं, इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं और इसे कैसे मेंटेन करते हैं वो भी हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको ऐसे प्लांट्स दिखाने वाला हूँ जो आप घर में बिल्कुल इंडोर में आप रख सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम या अपने बेडरूम में। तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये स्नेक प्लांट है और इसके कई सारे नाम हैं। कई लोग इसे सेंसिवेरिया कहते हैं, मदर इन लॉ टन भी बोलते हैं और स्नेक प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये देसी वैरायटी है स्नेक प्लांट का। और ये अगर मैं स्नेक प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ह्यूमिडिटी पसंद करता है ये प्लांट, और ये ट्रॉपिकल रीजन से आता है। इसलिए अगर आप ह्यूमिड प्लेस पर आप इसे रखते हैं तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही तेजी से होती है। कई कई जगह बताया गया है लगभग 15 से 18 फीट तक ये लंबे प्लांट्स होते हैं और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। जो सबसे बेस्ट बात है इन प्लांट्स की कि वो पानी कम पसंद करते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट डेड भी हो सकता है, इसके रूट गलने लग जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें कितना आपको मिट्टी रखना है तो लगभग आप 20% इसमें सॉयल रखिए और 80% इसमें सैंड मिक्स करके रखिए। बहुत ही अच्छा लुक देता है घर का और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो तो नहीं करता, बट हाँ स्लो ग्रोथ है, लेकिन ये लुक बहुत अच्छा देता है। ये प्लांट आसानी से कटिंग से भी ग्रो हो सकता है। अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की तो प्राइसिंग लगभग 150 रुपये में आपको देसी वैरायटी मिल जाता है और ये जो आप देख रहे हैं ये लगभग आपको 300 रुपये का इंग्लिश वैरायटी आपको मिल जाती है। तो ये भी प्लांट आप बाय कर सकते हैं और आपके घर के बहुत ही अच्छा लुक देता है और ये प्लांट लॉन्ग टर्म चलने वाले प्लांट्स फायर प्लांट है। नासा ने भी इसे अप्रूव किया हुआ है। तो अगर आप इसे अपने घर में रखते हैं तो ये ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके आपको ऑक्सीजन देता है। जो मेरा दूसरा प्लांट है वो है फाइकस इलास्टिका, जिसे रबड़ प्लांट भी कहते हैं, और इसमें कई सारी वैरायटी आती है। एक है डीप ग्रीन कलर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये वेरीगेटेड है, और बर्गेंडी कलर में भी ये एक रबड़ प्लांट आपको दिख जाएगा। तो और ये बहुत ही अच्छा लुक देता है, एक ये बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है। आप इसे अपने घर में रख लीजिए, हल्की सी लाइट भी अगर इस पर पड़ती रहती है तो ये बहुत अच्छा लुक देता है। लोग अपने ऑफिसेज और अपने घर में या ड्राइंग रूम में जरूर लगाते हैं ऐसे प्लांट को। बात करते हैं इसके पॉटिंग सॉइल की। अगर आप पॉटिंग सॉइल रखते हैं तो वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल रखिए, इसमें बर्मी कंपोस्ट मिला दीजिए, गोबर का खाद जो होता है आप वो मिक्स कर सकते हैं। तो पॉटिंग मिक्स आप इसकी बिल्कुल इस तरह से तैयार करें जो उसका ग्रोइंग पीरियड है वो फरवरी से लेके अक्टूबर तक के बीच में है। तो इसी बीच में इस प्लांट का काफ़ी अच्छा ग्रोथ होता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके कटिंग से ग्रो होने की, तो आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसे लो वाटर पसंद है, मतलब आप थोड़ा कम पानी से भी ये आसानी से ग्रो कर जाता है और बहुत ही अच्छा लुक देता है आपके घर को। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो अगर आप डबल प्लांट लेते हैं तो उसकी प्राइसिंग आपको लगभग मान के चलिए 250 रुपये में मिल जाता है, और सिंगल प्लांट लेते हैं तो लगभग 100 रुपीज़ में आपको 100 से 150 रुपये में आपको कहीं भी मिल जाएगा। अगर मैं और दूसरी बात करूं, अगर आप वेरीगेटेड लेते हैं तो वो भी लगभग आप डबल प्लांट लेंगे तो 250 और सिंगल प्लांट लेंगे तो 100 से 150 रुपये के बीच में आपको ये प्लांट मिल जाता है। काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है, आपके घर का बिल्कुल लुक चेंज कर देता है। तो ये आप जरूर बाय कीजिए, अपने घर में रखिए, अभी ग्रोइंग पीरियड चल रहा है। गाइज, ये मेरा थर्ड प्लांट है और आज के डेट में ये जो प्लांट आप देख रहे हैं क्लेथिया हैंड प्रिंटेड नाम है, और ये एक सो प्लांट है जो साउथ अमेरिका से आता है और आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है हाउस होल्ड प्लांट्स में। और ये एक रेन फॉरेस्ट से आता है इसलिए इसे थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट ज़्यादा पसंद है। इसकी कई सारी वैरायटी आती है, ये थोड़ा सा महंगा और कॉस्टलियर साइड है ये इस प्लांट का। तो पहले बात कर लेते हैं इसके सॉइल की। तो अगर सॉइल इसे वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, इसमें जब भी आप इस प्लांट को लगाएं तो परलाइट बर्मी कंपोज सैंड और कोकोपीट और सॉइल का मिक्सचर आप इसमें डालें और ये प्लांट बहुत ही आराम और तेज़ी से ग्रो करता है। अगर मैं इसका फेवरेट सीज़न बोलूं तो ये फैब से लेके अक्टूबर तक इसका क्लाइमेट बना हुआ रहता है। बारिशों में इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे कई सारी वैरायटीज़ आती रहती है। जो सबसे बेस्ट बात है इस प्लांट का वो इसके जो बैक साइड है
वो बिल्कुल रेड कलर का होता है और ऊपर बिल्कुल ग्रीन और लाइट ग्रीन का शेड होता है, जो बहुत ही प्यारा लुक देता है आपके घर को। तो जब भी आप इस प्लांट को रखें तो थोड़े से ऊंचे हाइट पर रखें, जिससे कि आपके जो साइड का जो लीव्स का जो बैक साइड है वो भी दिखे। तो बहुत ही अच्छा ये प्लांट है और ये एक टोटली इंडोर प्लांट है। आप इसे ज़्यादा अगर धूप दिखाएंगे तो ये प्लांट डेड हो सकता है। आप हल्का पानी दीजिए, 2 दिनों, 2 या 3 दिनों में आप पानी दीजिए। ये लॉन्ग टर्म चलने वाले प्लांट्स हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो लगभग लगभग 300 से 350 रुपये में आपको किसी भी नर्सरीज में। बात करूँ, देखने में ये बिल्कुल आर्टिफिशियल प्लांट लगता है ये प्लास्टिक का है, ऐसा लुक ये प्लांट देता है। तो आप अपने घर में और अपने ड्राइंग रूम में ये ऐसा प्लांट जरूर लगाएं। गाइज, ये मेरा फोर्थ प्लांट है, नाम है जीजी प्लांट और जामिया प्लांट भी इसे कहते हैं। ये एक लो लाइट में रहने वाला प्लांट है, एक बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है। मतलब आप इसे बोल सकते हो आप महीनों या 1.5 महीनों तक भी आप इस प्लांट्स में पानी नहीं देते हैं, फिर भी ये प्लांट्स चलते रहते हैं लॉन्ग टर्म। अगर बात करता हूँ इसके लीव्स आप देखिएगा तो इसके लीव्स बहुत ही सुंदर होते हैं, बिल्कुल एक वैक्स की कोटिंग होती है, बहुत ज़्यादा शाइन करती है। तो आप इसे अपने घर के इंडोर में अगर आप ड्राइंग रूम या फिर आप किसी कॉर्नर में आप लगाते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छा और बहुत सुंदर लगता है। ये एक बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है, आप इसकी कटिंग से भी आप इससे लीव से भी आप प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। बात करता हूँ सॉइल की, आप इस बिल्कुल पोरस सॉइल रखिए, वेल ड्रेन सॉइल रखिए और ये लॉन्ग टर्म चलते हैं और बहुत ही अच्छा लुक देता है आपके होम डेकोर को। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको 150 रुपये में किसी भी नर्सरी में आसानी से ये प्लांट आपको मिल जाता है। तो गाइज, इंडोर प्लांट में ये मेरा फिफ्थ प्लांट है, नाम है जनाडो और ये प्लांट लोग काफ़ी ज़्यादा बाय करते हैं जस्ट बिकॉज कि ये एक बहुत ही अच्छा लुक देता है। अगर मैं बात करूँ इसके लीप्स की तो ये लीप्स आपको दिख रहे हैं ये छोटे हैं, पर ये मेरे पाम साइज से भी लगभग 3 से 4 गुना बड़े होते हैं और लंबे लंबे चौड़े चौड़े होते हैं, अगर आप इसका जो सॉयल है बहुत ही अच्छा आप रखते हैं तो। तो आप जनरली अगर मैं बात करूं इसकी सॉइल की तो सॉइल आप इसमें किसी भी तरह का रख सकते हैं। आप सिंपल बर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दीजिए और जो मिट्टी होती है आप वो मिक्स कर दीजिए और आपका ये जो प्लांट है वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। और इसके जो पब्स हैं वो लगातार निकलते रहते हैं और नए लीव्स आते रहते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा है और आपके घर को बहुत ही अच्छा लुक देता है। इस जैसे ये प्लांट जितना खूबसूरत है उसका डेंजरस साइड भी है, इसके जो लीव्स हैं वो थोड़े से पॉइजनस हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस प्लांट को आप अवॉइड करें। जनरली देखा जाता है कि जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं और सेम अगर जनाडो की बात करूँ तो लगभग 150 रुपये का आपको एक प्लांट मिलता है। बट इसमें कई सारे पब होते हैं तो आप अगर ये बाय करते हैं तो आप आसानी से कई सारे प्लांट्स तैयार कर लेते हैं। 150 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में आपको ये प्लांट्स किसी भी नर्सरी में मिल जाते हैं। अगर बहुत ही बड़ा प्लांट हुआ तो इसकी प्राइसिंग ऊपर हो सकती है, बट इसकी प्राइसिंग 150 रुपये है, आप बाय कर सकते हैं ये प्लांट भी।